व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? गाइस आज की जो वीडियो बना लिया काफी मस्त बना लिया, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टीवीएस एंटॉर्क रेस एडिशन मॉडल का ओनरशिप रिव्यू। गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यार इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, परफॉर्मेंस कैसा आता है, वो सब ओनर से पूछेंगे और वो बताएंगे कि आपको उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाता हूँ ओनर से। तो हेलो भाई, क्या हाल है? आपका नाम बता दीजिए पहले। कमल भट्ट। कमल भट्ट, तो आपको कितना टाइम हो गया रेस एडिशन को लिए हुए? 4 महीने। अच्छा, 4 महीने हुए हैं अभी। तो अभी तक आपने कितने किलोमीटर चला दिया इसको? 6000 हो गए। 6000 किलोमीटर चला दिया 4 महीने में, काफी कवर कर लिया आपने। सही है। तो वैसे आप रेस एडिशन पे ही क्यों गए? मतलब इसमें जैसे इसमें भी और मॉडल्स हैं और 125 में भी काफी मॉडल्स आते हैं, जैसे वर्गमैन है और जुपिटर है और भी मतलब कई सारे मॉडल्स हैं, तो इसी में क्यों गए आप? फीचर सही थे इसके। अच्छा, फीचर्स अच्छे थे, लुक्स और परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा, तो अभी माइलेज वगैरह क्या देती थी आपको? माइलेज तो कम है इसका। अच्छा, लगभग फिर भी कितना निकल जाता है? एंटॉर्क में से आता तो कम ही है, कम लेकिन 40 तो फिर भी सही है। मतलब इसका कम ही होगा ना, वैसे एक्सट्रीम मॉडल का हमने लिया था रिव्यू, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 30 के आसपास का मिल रहा है माइलेज। अभी तो सही चल रहा है, अभी मतलब उसके हिसाब से ठीक चल रहा है, 40 से थोड़ा कम है, मतलब ज्यादा ठीक है। तो वैसे आपकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है अभी? सर्विस कॉस्ट 1500 लगभग। 1500 लगभग। तो शोरूम में कराते हैं अभी, बाहर कराते हैं? शोरूम में ही है। अच्छा, तो अभी इसकी वो जैसे 4 महीने और, तो इसकी सारी सर्विस खत्म होगी? 3 जो मिलती है कंपनी से फ्री वाली, या अब बची है अभी? एक बची है अभी तो। अच्छा, एक बची है, तो उसमें तो अभी आपका मतलब 1500 रुपये लग रहा है, मतलब आपका तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। तो बाकी वैसे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आए आपके साथ कि यार कुछ ज्यादा पैसा लग गया? लॉक में है खाली। अच्छा, लॉक में दिक्कत है, तो वो क्या चाबी करवा लिया? अच्छा, 2 बार। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है मतलब इसके आपके साथ, क्या दिक्कत हुई? मतलब चाबी अटक जाती है उसमें, निकलती नहीं। फिर तो चेंज कराने के बाद भी दोबारा सही नहीं हुआ वो? अभी भी सही नहीं हुआ। अच्छा, तो चेंज आपने कहा शोरूम से करवाया? हाँ, वही शोरूम से ही है। तो मतलब ये पार्ट्स वगैरह मतलब उतना अच्छे नहीं मिल पा रहे? एक बैलेंसर हो गया, बैलेंसर निकलता है इसका बार बार। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आती है आपके? वो वैसे ही निकल जाता है। अच्छा, खुद ही निकल जाता है? खुद ही से निकल जाता है, एक्सीलेटर के साथ घूम जाता है, उसके बाद निकल जाता है। तभी आपका ये तो गिर गया मेरे ख्याल से, निकाल के दूसरा भी गिर गया। अच्छा, ये एक्सपीरियंस आपका रहा है। कभी इसमें आपने वैसे लॉन्ग राइड्स भी मारी है? इतने किलोमीटर आपने चला दी 4 महीने में, तो कभी लॉन्ग ट्रिप रही हो? वही पिथौरागढ़ रूट पर। अच्छा, इतना मारा आपने, तो कैसा रहा उस समय पे इसका एक्सपीरियंस? सही था, मतलब कोई दिक्कत वगैरह आई है रास्ते में आपकी, और या हीटअप की दिक्कत आई हो? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैसे कितने किलोमीटर चल गए थे उस टाइम पे रेगुलर? मतलब रेगुलर कितना रहा, 1 किलोमीटर एक साइड को जाना और आना? एक साइड पे जाना, 150 जाना 150 आना। अच्छा, 150 जाना 150 आना, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई है? चलिए, ये भी बढ़िया है। तो भैया जैसे अभी आप शोरूम पे जाते हैं, वहीं पर काम कराते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब कंपनी वालों की क्या रहती है, क्या मतलब किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो लोग? वही रहता है, कुछ काम के लिए बोलते हैं तो उसके आधे घंटे बाद होता है। अच्छा, मतलब तुरंत नहीं होता है? नहीं करते। ये वैसे चीज हमने काफी लोगों से सुन लिया एंटॉर्क वालों से कि मतलब उतना शोरूम वही हल्का ही चलता है वहाँ, मतलब उतना रिस्पांस नहीं देते ना कस्टमर्स को, बहुत कम। तो ये चीज में थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो आपको ये कॉस्टिंग वगैरह कितनी पड़ गई थी इसमें जब आपने ली थी ये वाली ऑन रोड? 120 के करीब पहुंच गई थी। अच्छा, तो इसमें आपने कुछ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन? अच्छा, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करवाया आपने। तो अभी क्या लगता है आपको, मतलब कितना रिलायबल है गाड़ी, मतलब कितनी बढ़िया है इसका परफॉर्मेंस कह लीजिए, या कितना स्मूथनेस चलती है, पावर कैसी पकड़ती है? पावर सही है, एक्टिवा से सही है। अच्छा, एक्टिवा से बढ़िया है। तो ये जैसे हर किसी चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब अच्छा या बुराई होती है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या क्या बुरी लगती हैं? थोड़े बहुत फीचर सही हैं, जो फीचर्स बढ़िया लगते हैं। एक्टिवा से थोड़े बहुत सही हैं। अच्छा, साउंड सही है थोड़ा? साउंड अच्छा, साउंड तो काफ़ी हैवी है इसका। और क्वालिटी वगैरह कैसी लगती है, मतलब मटेरियल की आपको, कि बिल्ड क्वालिटी में जो लगी है क्वालिटी है, मटेरियल को जानदार या कमजोर देर का? फाइबर मतलब सख्त, मतलब मजबूत है, मतलब वैसे सही है, वैसे ठीक है, क्योंकि वो तो एक्टिवा में मिलता है आपको वो टीन वाला ना। हाँ, मेटल का। हाँ, वैसे आपने इसको मतलब किस पर्पस के लिए लिया है अभी? आपने जैसे स्कूल कॉलेज के लिए लिया है, या अपने घर के काम के लिए, या और काम के लिए? वैसे कॉलेज के लिए। अच्छा, कॉलेज के लिए, तो उसमें डेली यूज होता होगा आपका, तो मतलब परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाता है उसमें। कुछ कौन सी भी बता दीजिए, क्या क्या उसमें आपको बुरी लगती है? वही है बस, कोई कोई फीचर है, वो लॉक अटक जाता है। हाँ, वो चीज़ आपका एक, और बाकी बैलेंसर का है, और थोड़ा उसका साइलेंसर से है। अच्छा, साइलेंसर में क्या प्रॉब्लम आती है? साउंड कभी एकदम हल्का हो जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, तो ये तो एक्सलेशन खींचने में होता होगा कि ना? ना, वैसे भी हो जाता है। अच्छा, और कभी स्टैंड में स्टार्ट नहीं होती, वैसे फीचर तो होता है स्टैंड में स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाती है। अच्छा, स्टैंड नीचे होगा तब भी हो जाती है? कभी कभी हो जाती है। तो सेंसर्स वगैरह मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, कभी अटक जाती है। तो आपने कभी शोरूम में नहीं दिखाई ये फॉल्ट की, यार इस तरीके की दिक्कत आ रही है? बहुत बार बोल दिया, वो करते ही नहीं। अच्छा, करते ही नहीं, 4 महीने में ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, मतलब कस्टमर को तो बिल्कुल। इसका बहुत हल्का है, बहुत हल्का है हिसाब से। तो
थोड़ा तो ट्रीट अच्छा होना चाहिए। तो भैया ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी हमको क्या क्या चीज़ें इसमें थी, प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए। तो एक चीज़ ये बता दीजिए कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है इससे, मतलब कितना सेटिस्फाई हैं आप? सही है थोड़ा बहुत, उससे एक्टिवा के हिसाब से सही है। अच्छा, मतलब वैसे आपने एक्टिवा यूज़ करी हुई तभी आप उससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? हाँ। अच्छा, तो उससे सही है, उससे सही है। इसमें कितने परसेंटेज देना चाहेंगे, मतलब 100 बाई कितना देना चाहेंगे आप इसको? 80। चलिए बढ़िया है, ठीक है एक ओनर के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, देख लिया आपने कि यही सारी चीज़ें आपको जब ओनर से सुनते हैं तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं सुनने को कि क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर अच्छाई है क्या बुराई है। तो ये हमने रेस एडिशन का अभी ओनर से रिव्यू किया था, इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल गई है क्या अच्छाई है क्या बुराई है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। जो भी जेन्युइन रिप्लाई होगा हम आपको कर देंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थी वीडियो के अंदर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। मिलते हैं ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।